Hello students, I am Mukti Sir from Easy Learning Center, and today we are going to start our new chapter of science, that is chapter 2, microorganisms. Microorganisms, friend and foe. Now friend to sabko pata hai. What is the meaning of foe? Do you know what is the meaning of foe? इसका मतलब ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि वो हमें कितने यूजफुल है, यूजफुल मतलब फ्रेंडली है हमारे साथ, जो हमें बेनिफिट देंगे, और कितने हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं. ओके, तो ये हमारे दुश्मन भी हैं और फ्रेंड भी है. तो हम ये चैप्टर में देखेंगे कि वे हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं और किस तरीके से हमें उनसे खतरा है, तो क्या क्या ध्यान रखना है. तो ये सब हम इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ आप लोगों को लगेगा कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स पता है कि जितने भी लिविंग है वो सब ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, लेकिन व्हाट इज अबाउट द वर्ड माइक्रो. तो आपने माइक्रो वर्ड सुना है कहीं पे? यस, ये पिक्चर में देखा भी है. देखिए, ये जो साइंटिस्ट है वो जो वर्क कर रहे हैं, इनके पास ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो देख रहे हैं. ये है माइक्रोस्कोप. ये जो माइक्रोस्कोप है उसमें ही दिखने वाले ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो आपको नेकेड आई से वो दिखने वाले नहीं है, फिर भी हमारे फ्रेंड है और हार्मफुल भी है हमारे लिए. ओके, तो देखते हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस. हमारे सराउंडिंग में, सॉइल में, वाटर में, एयर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आईज. वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते. अभी आपके क्लास में कोई चश्मे वाला बच्चा होगा ना, तो बोलेगा मैम मेरी आई तो नेकेड नहीं है, मैं तो चश्मे वाला हूँ. भाई चश्मे में भी नहीं दिखेगा. ओके, तो ये हमारी नॉर्मल आईज से हम नहीं देख सकते जब तक कि हमारे पास माइक्रोस्कोप ना हो. ओके, तो माइक्रोस्कोप में ही दिखने वाले हैं. वी नीड अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप क्या है? एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके, एनलार्ज करके, जूम करके हमें दिखाता है. ओके, टू सी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म. दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल. और मेरी लैंग्वेज में बोलू तो मैं इनको बोलती हूँ चुन्नू मुन्नू, बहुत ही छोटे, एकदम छोटे छोटे. We can now say that those organisms which are too small to be seen without a microscope are called microorganisms. पता चला आपको डेफिनेशन? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट माइक्रोस्कोप देखना पॉसिबल ही ना हो, इतने छोटे हैं, उनको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, और यू कैन डिफाइन इट एट योर ओन दैट द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन ओनली विथ यूजिंग माइक्रोस्कोप आर आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. दो वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू देयर एक्शंस like spoiling our food and causing disease. भले ही वो दिखते ना हो, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं, हम उनकी प्रेजेंस को जान सकते हैं. कैसे? तो आप देखना कि आपने अगर कोई फूड आज सुबह में बनाया है और उसमें बहुत सारे लोगों ने, सबने खाना खा लिया, फिर कुछ बच गया और वो मम्मी वेस्ट में डालना भूल गई और ऐसे ही किचन में पड़ा रहा. फिर आप शाम को कहीं और चले गए और फिर दूसरे दिन सुबह आए, तो आपको आपको देखने को मिलेगा कि वो जो फूड था ना वो स्पॉइल हो चुका है, उसमें से बैड ऑर्डर आने लगी होती है, उसका कलर चेंज हो गया होता है. तो ये सब आपको देखने को मिलेगा. ये इंडिकेट करता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो चुके हैं. ओके, तो देखे नाउ, दस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो हमारे लिए हार्मफुल है,
और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हमारे फ्रेंड्स हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगी मेक अवर फूड गो बैड। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू। आपको पता है प्लांट को भी डिजीज होते हैं? पता है आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डिजीज हो चुका होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ प्लांट्स में उनके जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते लीव्स के ऊपर होल हो जाते हैं अपने आप। तो वो उसके ऊपर की डिजाइन नेचुरली नहीं होती है, कुछ कुछ पत्तों के ऊपर ये होल हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर रेड स्पॉट दिखने को मिलते हैं। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कैंसरस ग्रोथ होता है ना हमारे बॉडी में कहीं पे, वैसे प्लांट के बहुत सारे ऑर्गन्स पे आपको ऐसे छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, तो वो प्लांट के डिजीज है। तो प्लांट में भी डिजीज होते हैं। द डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, कॉलेरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड एड्स एक्सेट्रा आर ऑल कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे डिजीज हमारे हैं, मतलब कि ह्यूमंस को जो होते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने सारे डिजीज। और ये तो बहुत ही कम नाम है जो कॉमन है उनके नाम है। बहुत सारे डिजीज ऐसे है जो अनकॉमन है, बहुत कम होते हैं तो वो ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे डिजीज है जो इनके वजह से होते हैं। और अभी तो एक रिसेंटली नया डेवलप हो चुका है, कौन सा वाला, जिसकी वजह से हमें ये ऑनलाइन स्टडी करना पड़ रहा है, कोरोना वायरस। सो इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कोरोना जो है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज है। ओके, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ ऐसे है कि जो हमारा फूड है ना वो अपना खुद का मान के उसमें पार्टी करते हैं और हमारे लिए वो फूड कैसा हो जाता है, पॉइजन, सो वी कैन नॉट ईट इट। ओके, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। हाँ, लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स भी है जो हमारे लिए यूजफुल है, कैसे तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। The microorganism like certain bacteria help in making food products such as curd and cheese. आपको पता है आपके घर पे जो curd मम्मी बनाती है वो किस में से बनता है? तो आप बोलोगे मिल्क में से बनता है। तो मिल्क अकेला ही ऐसा रहने दो तो क्या वो curd बन जाएगा अपने आप? तो आप बोलोगे हाँ मैम, 1 or 2 days उसको बिना उबाले ऐसे ही रहने देंगे तो बन जाएंगे, बन जाएगा curd। लेकिन कैसे कैसे बनता है वो curd? तो उसके पीछे की हिस्ट्री आपको पता ही नहीं है। ओके, तो बिहाइंड द सीन ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। चीज जो आपको बहुत फेवरेट है आपका, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, एसिटिक एसिड लाइक विनेगर एंड मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। आपको लगेगा मैम अभी लॉकडाउन चल रहा है क्या ब्रेड, केक और पेस्ट्री याद करवा रहे हो भाई, लेकिन ये सब है ना आपकी जो फेवरेट चीजें हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, सो दे आर यूजफुल टू अस। ओके, अल्कोहल, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हम अभी यूज करते हैं, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है ताकि हम बच सके। ओके, एसिटिक एसिड दैट इज विनेगर। विनेगर तो आप जानते ही होंगे चाइनीज फूड में ये यूज होता है बनाने के लिए। तो मेडिसिन भी आपको पता ही है, बहुत सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स जो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प होती है, वो भी दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही बनती है। देखिए कितने अच्छे हैं, मतलब कि ऐसा मानो कि कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कुछ बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए भी वो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमें हेल्प करते हैं। कैसा है, उन लोगों में भी चोर पुलिस होते हैं। देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकंपोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। दे आल्सो हेल्प इन रिसाइक्लिंग द मटेरियल्स लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन इन नेचर। दे आर नोन एज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी को डिटोरिएट करते हैं और उसके जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स है उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो दूसरे ग्रो होने वाले प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन बन सके। ओके, तो ये सारा काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो आप सोचिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें कितना कुछ सीखने को मिल गया। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें ही आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू मच इम्पोर्टेंट
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. हमें तो इनके बारे में पता रहना ही चाहिए कि कौन हमारे फ्रेंड है और कौन हमारे दुश्मन है. उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें पता रहनी चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उनसे ज्यादा बेनिफिट भी गेन कर सके. तो देखिए, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आज स्टडी करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत ही लेंथी टास्क है. तो उसको आसानी से समझने के लिए ये साइंटिस्ट लोग है ना, बहुत ही अच्छे होते हैं. वो हमारे लिए इतना काम आसान कर देते हैं कि हम बस ये 5 ग्रुप को पढ़ लेना तो समझ लेना, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको हमने जान लिया, ऐसा लगेगा. तो काम कितना आसान कर दिया, हमें सिर्फ ये 5 ग्रुप को ही जानना है. These groups are bacteria, viruses, protozoa, some fungi, and algae. Microorganisms may be unicellular or multicellular. अब ये आपको पता है, यूनि मतलब वन, सिंगल, सिंगल सेल से ही बना है पूरा ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड मल्टी सेल्युलर, मल्टी मतलब मैनी, तो बहुत सारे सेल्स को कलेक्ट करके बना हुआ है उसका बॉडी, उसको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि उसमें से एक हम है, हमारा बॉडी भी बहुत सारे सेलों से बना है, न्यूमेरस, तो हम है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी दोनों तरीके के आते हैं. प्लीज नोट दैट दिस सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टेरियम. हाँ, हम जब भी यूज करते हैं वर्ड बैक्टीरिया, इसका मतलब है ये उसका प्लूरल है. बैक्टीरिया मतलब बंच ऑफ सो मेनी बैक्टेरियम, इसका मतलब ये हुआ कि उसका सिंगुलर है बैक्टीरियम. सिंगल होगा तो बैक्टीरियम कहलाएगा, बहुत सारे है उसका ग्रुप है तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया. द सिंगुलर ऑफ वायरस इज वायरस इज वायरस, तो हम तो वायरस ही बोलते हैं, वो सिंगल है. और वायरसेस बोलेंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा, इसमें तो आसानी से पता चल ही जाएगा. नाउ द सिंगुलर ऑफ प्रोटोजुआ इज प्रोटोजुअन. हाँ, अगर हमने बोला प्रोटोजुअन है तो समझ लाना कि एक की ही बात हो रही है, लेकिन प्रोटोजुआ बोला तो बहुत सारे, इसका प्लूरल है. द सिंगुलर ऑफ फंगी इज फंगस. फंगस बोलेंगे तो समझना कि इसे एक की बात हो रही है, लेकिन फंगी बोला तो वो उसका प्लूरल है. द सिंगुलर ऑफ आल्गे इज आल्गा. आल्गा मतलब ओनली वन, एंड आल्गे मतलब मैनी, प्लूरल है उसका. वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी ब्रीफली. ब्रीफली हम इसको देखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना ये तो सिर्फ ट्रेलर है. पिक्चर तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में कॉलेज में स्टडी करोगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर है. तो देखते हैं क्या है ट्रेलर में. फर्स्ट है बैक्टीरिया. देखे कैसे दिख रहे हैं, आपको लगेगा ये तो कुरकुरे जैसे दिख रहे हैं. हाँ, तो ऐसे ही है, लेकिन हमें कुरकुरे जैसे दिखते नहीं है. जैसे कुरकुरे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ में, वैसे नहीं है. तो पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में. बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल्स बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स. ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन. सी, दे आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन? बैक्टीरिया. Which have cell walls, उनके पास सेल वॉल है, बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर. बट उनके पास ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब न्यूक्लियस भी नहीं है, ना उनके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, ना उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है. वैसा सारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना पूरा सेल का, ऐसा इनके पास नहीं है. बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे मिलते हैं. जब हम छोटे थे ना तब ये पढ़ते थे, तब हमारे मैम ने ऐसा बोला था कि बैक्टीरियाज आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट वर्ड का मतलब होता है कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. देर इज नो एनी सिंगल एरिया इन अवर सराउंडिंग्स वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एबसेंट. कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे ये बैक्टीरिया नहीं है. तो दे आर ओमनी प्रेजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर प्रेजेंट. तो मैंने बोला कि वैसे तो हमने छोटे थे तब से ऐसा ही सुना है कि भगवान हर जगह पे होते हैं, गॉड इज एवरीवेयर. और अभी आप बोल रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, तो इसका मतलब हम ये समझे कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी. मतलब कि अगर ओमनी प्रेजेंट है गॉड एंड ओमनी प्रेजेंट है बैक्टेरिया,
या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भगवान है? हो भी सकते हैं, क्या पता। ओके, तो समझ लीजिए, बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर, इन एयर, सॉइल, वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन अवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज, सब जगह पे प्रेजेंट है। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस बट स्टिल वेरी स्मॉल, दे आर लार्जर देन वायरसेस बट स्टिल दे आर वेरी स्मॉल। अनलाइक वायरसेस, बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। वायरस जैसे नहीं है, ये वायरस है ना, ये सारा काम नहीं कर सकता। बैक्टीरिया कर सकता है क्या? वो फीड करता है, मूव करता है, रेस्पायर करता है, इवन प्रोड्यूस देयर ओन कम्युनिटी, मतलब वो प्रोडक्शन भी कर सकता है। देर आर मेनली थ्री ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के अकॉर्डिंग इनके थ्री ग्रुप्स है। स्फेरिकल बैक्टीरिया गोल गोल होंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया जो डायग्राम में दिखे हैं ऐसे, एंड स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल मस्त दिखते हैं ऐसे, स्पाइरल बस इतने ही होते हैं। ओके, स्पाइरल स्पाइरल। नाउ आगे देखते हैं, द टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लैक्टोबैसिलस। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके घर में प्रेजेंट है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर दी बैक्टीरिया यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड्स लाइक कर्ड। कर्ड बनाने में जो हेल्प करते हैं वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। एक्चुअल में ये करते क्या है कि हमारा जो मिल्क होता है वो मिल्क के अंदर सुगर होती है, उसका नाम है लैक्टोज सुगर। तो वो लैक्टोज सुगर को ब्रेक करके उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ओके, दूसरे है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मतलब कि जो एटमोस्फियर का नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, वो हम यूज नहीं कर सकते, ना प्लांट यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वैसे ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन इनहेल करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं NO2 NO3 में, ताकि वो प्लांट्स यूज कर सके। ओके, एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन भी ये करते हैं। ऑन अदर हैंड, सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉजेस डिजीज, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया आर कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वायरसेस। आपको लगेगा दिखते कितने ब्यूटीफुल है और काम कितना कैसा करते हैं, काम कैसा करते हैं ये लोग, ऐसा काम करते हैं कि सबका काम धंधा बंद करवा देते हैं। बोलिए, वायरसेस, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी एनिमल, प्लांट और बैक्टेरियम। सुन लीजिएगा ध्यान से, ये जो वायरसेस है ना, वो हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी और नहीं भी। आपको लगेगा मैम ये क्या बोल रहे हो, कोई एक चीज बताओ, ये हमारे जैसे लिविंग है या नहीं है, कोई एक बात बताओ। लेकिन मैं क्या करूँ, ये है ही ऐसे नोटोरियस, जैसे कि अगर ये एनवायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल है तो वो जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। अगर वो ओपन एयर में प्रेजेंट है तो वो जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल। अब आप सोच लीजिए कि डस्ट पार्टिकल को क्या आप लिविंग बोलोगे? एब्सोल्युटली नो। तो ये एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल की तरह घूमते रहते हैं, इसलिए तो इनसे बचना पड़ता है। क्यों बचना पड़ता है? जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गए, हमारी क्या कोई प्लांट की बॉडी में भी एंटर हो जाए या किसी बैक्टीरिया की बॉडी में भी चला जाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो बैक्टीरिया की बॉडी में चले गए या प्लांट में या फिर हमारी बॉडी में आ गए, तो हमारे सेल के अंदर आके वो क्या करते हैं, हमारी सारी मशीनरी यूज करते हैं। कैसे? तो कि वो खुद अपना रेस्पिरेशन नहीं करते, वो हमारे सेल में आके हमने जो इनहेल किया है ऑक्सीजन वो यूज करते हैं। वो अपना खाना ना बनाते हैं और ना डाइजेस्ट करते हैं, जो हमने खाया है हमारे लिए, हमने डाइजेस्ट किया है, उसमें से डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लेता है, फिर ग्रो होता है और फिर वो हमारी तरह रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ऐसे ही एनवायरमेंट में होता है तब। लेकिन हमारे सेल में जब एंटर हो जाए, उसके बाद सब मशीनरी हमारे यूज करके हमारे बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है
कि उसको कोई ना कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसको कोई होस्ट सेल चाहिए, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में जाने के बाद वो सेल का सारा मटेरियल ये यूज करेगा और फिर फूलेगा फलेगा। फिर क्या करेगा पता है आपको? वो पहले तो अपना ग्रोथ करेगा, डेवलप होगा, खा पी के ताजा माजा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपनी फैमिली बढ़ाएगा। फैमिली बढ़ाते बढ़ाते वो इतना बड़ा हो जाएगा कि फैमिली क्या, वो तो पूरी सोसाइटी बना लेगा। फिर सोसाइटी बनाने के बाद हमारी बॉडी की हमारी ही मशीनरी यूज कर करके इतना इतने इतनी इतनी उसकी पॉपुलेशन बढ़ाएगा कि धीरे धीरे हमारे बॉडी में उसकी सिटी बन जाएगी। फिर धीरे धीरे इतना बढ़ाएगा कि कंट्री बना देगा, और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी को वो अपना वर्ल्ड ही बना देगा। तो ध्यान रखना, दे आर वेरी खतरनाक। ओके, वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक वो दिखाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वायरसेस डू नॉट रेस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, वो भी कब? जब हमारे बॉडी में आए तब। वायरसेस आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ दे एंटर अ लिविंग सेल। कोई भी लिविंग सेल की बॉडी में वो एंटर होगा ना, उसके बाद रिप्रोडक्शन कर सकेगा। That is, viruses can reproduce and multiply only inside the cells of the organism, such as animal cell, plant cell, or bacterium cell. Thus, as long as viruses are outside the living cell, they behave as non-living thing. जैसे ही किसी living being के बाहर, कोई living cell के बाहर अगर वो present है, तो वो है non-living. But as soon as the viruses enter the living cells of other organism, they start behaving as living things. By carrying out the process of reproduction. But जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चले गए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे और रिप्रोडक्शन चालू करेंगे। ड्यू टू दिस रीजन, वायरसेस आर सेड टू लाइव ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए इनको बॉर्डर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि उसको ना तो हम नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं ना लिविंग में, क्योंकि कभी कभी ये लिविंग है, कभी कभी नॉन लिविंग है। कभी उसको रखे कहाँ पे, तो उसको बॉर्डर पे ही बिठा दिया कि यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्यों वायरसेस को बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ है। ओके, तो उसके लिए आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज। ये एजेंट्स है, समझ लेना, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। वायरसेस कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, other animals and plants. The human diseases such as common cold, influenza, measles, polio, chicken pox, small pox are all caused by viruses. और भी बहुत सारे diseases हैं जो virus cause करते हैं, लेकिन ये commonly known है, repeatedly हमारे surrounding में लोगों को ये होता रहता है। और अभी तो recent trend चल रहा है corona का, वो भी virus disease है। The two examples of virus are common cold virus and human immunodeficiency virus. ये पूरा नाम याद रखना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, शॉर्ट फॉर्म एचआईवी। तो एचआईवी वायरस है ना, ये उसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये हमारी बॉडी में आके क्या तूफान मचाता है। देखिए, ह्यूमन की बॉडी में आता है इसलिए उसका नाम ही स्टार्ट होता है ह्यूमन में। इम्यूनोडेफिशिएंसी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी पे ही अटैक कर लेता है ताकि हमारी इम्यूनिटी डाउन चली जाए और बाकी सारे डिजीज हमें हो सके। तो ऐसा खतरनाक है ये, ध्यान रखना। कॉमन कोल्ड वायरस कॉजेस कॉमन कोल्ड डिजीज, वेयर एज एचआईवी कॉज एड्स डिजीज। एड्स का पूरा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में बार बार ये पूछा जाता है या फिर वन मार्क के क्वेश्चन में। गिव फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी एंड एड्स। तो एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एड्स का पूरा नाम है Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired मतलब हम by birth उसके साथ पैदा नहीं होते हैं, acquire होता है after the birth. Okay, क्यों? क्योंकि HIV अंदर enter हो जाता है, तो ये transferable disease है, communicable disease है, लेकिन ये सबको होगा ही, इसकी guarantee नहीं है। वो according to environment they will gain it. कैसे gain होता है वो हम detail में बाद में study करेंगे। इम्यून डेफिशिएंसी करता है और सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखने लगेंगे, तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे बोलोगे कि ये होता है, तो डॉक्टर को लगेगा कि मलेरिया हुआ है, मलेरिया की टेबलेट देते हैं।
फिर कभी लगता है कि टाइफॉइड हुआ है, टाइफॉइड की टेबलेट देते हैं, वैसे बारी बारी से आपको बॉडी में बहुत सारे डिजीज एक साथ चालू हो जाते हैं। तो बहुत सारे डिजीज एक साथ हो जाना बॉडी में, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। और ये HIV की वजह से होता है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक किस पे करता है, हमारी इम्यून सिस्टम पे। ताकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाए तो सारे दुश्मन एक साथ आ सकते हैं, तो बहुत सारे डिजीज कॉजिंग वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के डिजीज होते हैं। इसलिए ये एड्स का जो डिजीज है वो डिजीज नहीं कहलाता, वो है सिंड्रोम, कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। ओके, ये जो डिजीज है वो फैटल होता है, मतलब कि जान भी ले सकता है और जान ही ले लेता है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट अभी भी अवेलेबल नहीं है। डिजीज कॉज बाई वायरस कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है ना, उससे वायरस से हुए हुए डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स चाहिए। ओके, एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स यूज होती है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए, बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, बट वायरस के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा नोटोरियस है, तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल टाइप का सिस्टम चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड देन वी हैव स्टडीड बैक्टीरिया एंड वायरस इन डिटेल। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर डाउट इन आवर क्वेरी सॉल्यूशन आवर्स। ओके, टिल दैट, टाटा, बाय बाय।